हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफीज़ जिसका हम सबसे पहले कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इससे पहले जो है हिस्ट्री और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है तो प्ले में जाकर उन वीडियोज़ को भी जरूर देख लें सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम परसपेक्टिव से और इसके अलावा हमने इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है जिससे आपका कंप्लीट चैप्टर कवर हो रहा है जिसकी वजह से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में रहेगा नहीं जैसे हम बात कर रहे हैं इस वाले चैप्टर की तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है राइट द मेजर फीचर्स ऑफ समिट 1992 आप ये खुद देखोगे कि क्वेश्चन जो है सीबीएसई हर बार रिपीट करती है तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए अब देखिए 1992 में हुआ क्या था हंड्रेड हेड्स ऑफ स्टेट्स मेड इन रियोडी जेनेरियो इन ब्राजील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट 1992 में फर्स्ट टाइम जो है इंटरनेशनल समिट के लिए हंड्रेड कंट्री के जो है हेड्स है वो शामिल हुए थे कहाँ पर ब्राज़ील के रियोडी जेनेरियो में द समिट वॉज कन्वीन फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम और द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द ग्लोबल लेवल इस समिट uh, में इस बात की प्रॉब्लम को मतलब देखा गया मतलब उस प्रॉब्लम पे जो कि इन्वामेंटल प्रोटेक्शन को लेकर या फिर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सब चीज़ों पर बात हुई द असेंबल लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जितने भी लीडर्स थे वो सारे के सारे साइन करते हैं किसपे कि हम जो है जो भी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर वर्क करेंगे और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे वर्क करेंगे द रियो इन इंडोर्स द ग्लोबल फर्स्ट फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडोप्टेड एजेंडा 21. एजेंडा 21 का क्वेश्चन भी अलग से पूछते हैं तो हालांकि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर कर दिया है लेकिन जब आपका रियोडी जेनारी होएगा तो उसके अंदर भी आपको एजेंडा ट्वेंटी को थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ट्वेंटी फोर्थ सेंचुरी जिसमें ये बात की गई थी कि ट्वेंटी फोर्थ सेंचुरी के अंदर हमें क्या करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने की कोशिश करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेटली आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें मिलेगा इट इज एन एजेंडा टू कम्वेट एनवॉमेंटल डैमेज पॉवर्टी एंड डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेक्स्ट चलते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ दैट इज व्हाट वाज एजेंडा 21 Agenda 21 एजेंडा था क्या इट इज द साइन साइंड द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एंड डेवलपमेंट ठीक है ना तो वही वाली बात है जो 1992 में के अंदर वर्ल्ड लीडर्स ने डिक्लेरेशन साइन किया था उसी को हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं इट फोकसिस ऑन अटेनिंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मेनली फोकस कहाँ पर है कि हम जो है ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे इट्स मेनली एम टू फाइट द इनवायमेंटल डैमेज पॉवर्टी डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉसिबिलिटीज अन इम्पॉर्टेंट एंड डिस्टिंग टेम ऑफ एजेंडा इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21 एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो लोकल लीडर है वो भी इसे जनरल 21 पे काम करेंगे अपने लोकल गवर्नमेंट के अंदर अपने लोकल एरिया में आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर थ्री डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है हालांकि ये क्वेश्चन दो टू मार्क्स में मोस्टली पूछा जाता है तो इसलिए आपको इसको बड़ा करके लिखने की जरूरत नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग दिनोमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शूड नॉट कम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सीधा ये मतलब है कि डेवलपमेंट इस तरीके से हो जिसमें हम इन्वामेंट को बिल्कुल भी डैमेज ना करें और प्रेजेंट में जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो उसको जो है फ्यूचर जनरेशन के साथ कुछ भी कम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े ठीक है ना तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट इज असेंशियल फॉर दस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाए रखनी है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करना बहुत ही जरूरी है इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डे इस तरीके से चलता रहा तो हमारा प्लान फ्यूचर में खतरे में आ जाएगा सो सस्टेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव आर प्लैनेट एंड आवर सेल्फ इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है कि हम अपने प्लैनेट को और खुद को सेव कर सकें नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स एस रिलेट न्यूमरस प्रॉब्लम जस्टिफाई दी स्टेटमेंट ये क्वेश्चन जो है ना हर बार का मतलब एग्जाम में पूछ ही लेते हैं एक स्टेटमेंट दे, दे देंगे और आपको कहेंगे किस चीज को आप बताओ क्वेश्चन में क्या बोला कि यूज़ ऑफ़ नेचुरल नेचुरल टू प्रॉब्लम मतलब को बुरी तरीके से लोग यूज कर रहे हैं ठीक है ना तो उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम आई है और सारी प्रॉब्लम को भी आएगा ना तो आपको इस तरीके से पहले लाइन लिखोगे तब जाकर आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर स्टार्ट करोगे नेक्स्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग एंड फि फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड लोपिंग ऑफ ट्रीज हैव लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज क्या करती है कटिंग करती है पेड़ों के पेड़ के साथ इसके अलावा बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से फॉरेस्ट का क्या हो रहा है बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है और लोगों को घर बनाना होता है या कुछ और इंडस्ट्री खड़ी करनी होती है तो भी वो क्या करते हैं पूरा का पूरा बहुत सारा पेड़ काट देते हैं सच लॉसिस आप इंक्रीजिंगली मार्जिलाइज इन फॉरेस्ट मेनी कंट्रीज

केमिकल्स पेस्टिस एंड फर्टीलाइजर्स यूज इन एग्रीकल्चर दस मेकिंग इट इन अनफिट फॉर ह्यूमन एंड एज वेल एज कंजम्पशन तो वाटर रिसोर्स को भी पोल्यूट किया जा रहा है बाय द डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो सारी की सारी जो है नदियों में बहाई जाती हैं तो जिस वजह से ह्यूमन के लिए ये पानी ह्यूमन के जानवरों के लिए भी उनके कंजम्प्शन के लिए सही नहीं है नेक्स्ट क्लासीफाई द रिसोर्स देश ऑफ ओनरशिप इन फोर कैटेगरीज मैं फीचर ऑफ इच आपको रिसोर्सेज को क्लासिफाई करना है कौन से बेसिस पे बेसिस ऑफ़ ओनरशिप हालांकि रिसोर्सेज को कई तरीके से हमने कर बांट रखा है लाइक आपका रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल बट ये सारा तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसमें कोई दिक्कत है नहीं बट फर्स्ट टाइम जो आपने पढ़ा है वो आपका क्या है ये ऑन द बेसिस ऑफ़ ओनरशिप उसके हिसाब से हमने चार भाग में डिवाइड किया इंडिविजुअल रिसोर्सेज कम्युनिटी कम्यूनिटी रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज सो रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इन द फोर कैटेगरीज फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल रिसोर्सेज जुअल इंडिविजुअल का जो प्राइवेट कोई भी चीज है जिसपे सिर्फ और सिर्फ उसका हक है तो उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेस कहते हैं एग्जाम्पल के बारे में बात करें खुद का हाउसेज हो गया खुद का पास्टर हो गया तो सारे इंडिविजुअल के अंदर आ जाएंगे नेक्स्ट कम्युनिटी रिसोर्सेज कम्युनिटी ओन रिसोर्स एक्सेसिबल टू ऑल देंबर ऑफ दुनिटी एग्जाम्पल प्लेग्राउंड पार्क एट एक्सट्रा मतलब उस पर हर मेंबर मतलब उसको पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर जो भी लोग रहता है हर कोई उसे एक्सेस कर सकता है हर कोई उस पर जो है हाँ हक जता सकता है हाँ ये हक हाँ तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ ये है कि हर कोई उसको यूज़ कर सकता है कोई बंदा मना नहीं करेगा कि हाँ तुम इस प्लेग्राउंड में नहीं खेल सकते या फिर तुम इस पार्क में नहीं आ सकते तो ये क्या होता है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज़ होते हैं नेशनल रिसोर्स इन द पोलटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री पोलिटिकल बाउंड कंट्री के पोटिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे उसको हम नेशनल रिसोर्सेज कहेंगे लाइक मिनरल्स हो गया फॉरेस्ट हो गया जो हमारी नेशनल बाउंड्रीज के अंदर होगा तो उसको हम नेशनल रिसोर्सेज कहेंगे नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड टू हंड्रेड किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जितनी भी मतलब ओशन का वो एरिया जो कि टू हंड्रेड किलोमीटर से अलग टू हंड्रेड किलोमीटर से बियॉन्ड है ऑफ़ दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सारे के सकती तो वो क्या होता है आपको बताना है इसके दो फीचर और दो रीजन जहां पर ये पाए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेगोर सॉइल इज द अदर नेम ऑफ द ब्लैक रेगुर जो सॉइल है वो आपका क्या है ब्लैक सोइल का दूसरा नाम है फॉलोइंग आर द टू फीचर ऑफ रेगुर रेगोर दो फीचर है यहाँ पर रेगुर सोइल के रेगुर सोइल का सबसे बड़ी बात दूसरा नाम क्या है काली मिट्टी ठीक है ना ब्लैक सॉइल तो इसके दो फीचर्स कौन कौन से है रेगुर रेगोर सोइल्स मिड ऑफ क्ले मटेरियल मटीरियल दे कैन होल्ड मॉइस्चर एंड आर रिच इन सॉइल एज कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम एंड लाइम नेक्स्ट इज दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर वेन दॉयल्स आर वेट दे आर वेरी स्टिकी एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल इमिडिएटली ठीक है तो ये दो क्वालिटी है उस चीज़ की उसके अलावा बात करते हैं वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है नेक्स्ट द फाउंड इन डेकन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्टन प्लेट्यू दॉयट्यू ऑफ महाराष्ट्र सौराष्ट्र मालवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड अलोंग दी का गोदरी एंड कृष्णा वैलीज तो यहाँ ये लोकेशन है जहाँ पर कि काली मिट्टी पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सॉयल टाइप विच इज वाइडली फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान आपको उस वो सॉइल टाइप का नाम बताना है जो कि वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है उसके दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं जो कि जिसकी वजह से वो कल्टीवेशन के लिए अनसूटेबल है ठीक है ये चीज हमसे पूछा हुआ है तो बात करें वेस्टर्न राजस्थान में तो एरिड सॉइल वहाँ पर पाया जाता है ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से वो कल्टिवेशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है एरिड सॉइल इज जनरली सैंडी नेचर मोस्टली जो होता है क्या उसका नेचर सैंडी रेतीला होता है सलाइन उसके अलावा उसमें नमक की भी ज़्यादा मात्रा होती है द लोअर लेयर्स आर ऑक्युपाइड बाई कंकर और जो लोअर लेयर है वो कंकर रहता है तो उसमें क्या खेती बाड़ी होगी ट्रेस्ट्रिक्स द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर जिसकी वजह से वाटर का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है नेक्स्ट है ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर एवॉपोरेशन इज फास्टर ऑफकोर्स ऐसे एरिया में टेम्परेचर बहुत हाई होता है जिसकी वजह से एवापोरेशन बहुत जल्दी हो जाती है तो सॉइल के अंदर ह्यूमस नहीं रहता मोशन नहीं रहता जिस वजह से उसमें कोई भी फसल नहीं उगाया जाता नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन रेड रेड एंड फोर पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन हमें red और -right soils के बारे में बताना है और ठीक है ना दोनों के बीच में अंतर बताना है सिंपल सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन किस तरीके से होता है रेड सॉइल्स आर फॉर्म ड्यू टू दैदरिंग ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है तो उस उसका जो मतलब वेदरिंग की वजह से जो धीरे 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 करके जो बनता है ना वो आपका रेड सॉइल्स है लेटराइट सोयल्स आर फोन बाई द लीचिंग प्रोसेस जबकि लेटराइट सॉइल -right किस तरीके से बनता है लीचिंग प्रोसेस के थ्रू बनता है नेक्स्ट है अक्रेंस दी सोइल्स डेवलप इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल ये सॉइल्स कहाँ पर डेवलप होता है जहां पर कम बारिश होती है दी सॉइल डेवलप इन द एरिया ऑफ हाई रेनफॉल जबकि लेटराइट सॉयल -right वहां डेवलप होगा जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होगी नेक्स्ट बात करते हैं कलर को लेकर रेड सॉयल का भी कलर रेड होता है लेटराइट सॉयल -right का भी कलर रेड होता है लेकिन रीजन अलग अलग है दीज आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन दे रेड सॉयल लाल क्यों होता है क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है जबकि राइट सॉइल आर रेड इन कलर ड्यू टू द लिटिल क्ले एंड मच ग्रेबल ऑफ रेड सैंडस्टोन उसमें रेड सैंडस्टोन्स मौजूद होते हैं जिस वजह से उसका कलर रेड दिखता है बात करते हैं कौन से स्टेट में पाए जाते हैं तो आपका जो है जो रेड सॉइल है दीज आर फाउंड इन तमिलनाडु उड़ीसा छत्तीसगढ़ एंड साउथ पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन और लिटराइट सॉइल आर फाउंड इन कर्नाटका केरला मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम ठीक है ना तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना बहुत ही ईजी भी है एक बार जब आप वीडियो देखोगे आपको सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी थ्री ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया लैंड डिग्रेडेशन के पीछे का क्या रीजन है मतलब कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है सो सम ह्यूमन एक्टिविटीज सचेज डिफोरेस्टेशन ओवरग्रेसिंग माइनिंग एंड क्वेरिंग टू कॉन्ट्रीब्यूटे सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन माइनिंग साइड आर ए वन डेंड आफ्टर एक्सक्शन वर्क इज कम्प्लीट लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसिस ऑफ ओवर वर्डनिंग मतलब माइनिंग साइट्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जब वो, जब वो खुदाई का काम करते हैं उसका यूं ही छोड़ देते हैं जिसकी वजह से उसमें डीप स्कार्स बन जाते हैं और जिससे बाद में क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है डिफोरेस्टेशन टू डू माइनिंग हैज कॉज सीवर लैंड डिग्रेडेशन अब माइनिंग के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है डिफोरेस्टेशन करना पड़ता है जहाँ पर खुदाई करनी है अगर वहाँ पर पेड़ पौधे तो डेफिनेटली वहाँ से पेड़ वगैरह काटने पड़ेंगे ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड इग्रेडेशन ड्यू टू द वॉटर लॉगिंग लीडिंग इनक्रीज इन सेलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉयल ओवर इरीगेशन अगर होता है ना तो भी लैंड इग्रेडेशन होता है क्यों क्योंकि जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर मिट्टी के अंदर सेलाइन की मात्रा बढ़ जाती है एल्कलाइन हो जाता है ठीक है ना तो जिसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या सिंपल से आते हैं मिट्टी खराब हो जाना जिसकी वजह से वो कल्टिवेशन के लिए सही नहीं रह पाता है ठीक है ना आप देखो रहे होगा ना इसमें थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन है क्योंकि अब मैं भी क्या कर सकती हूँ डेफिनेटली आपका इंपॉर्टेंट है तो हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते अगर मैं छोड़ दूंगी तो कल को आप ही कहोगे मैम आपने बताया और आया नहीं तो इसलिए हम वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जिससे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है सब कुछ बस ये पढ़ो दैट सोल्व नेक्स्ट इज सजेस्ट एनी सिक्स प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया ऐसे कौन से छ मेजर्स लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से हम लैंड डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है सॉल्व द प्रॉब्लम अब लैंड डिग्रेडेशन होकर हो रहा था क्यों ना उस कर दें मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड मतलब ज्यादा चारा वगैरह करवा देते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है तो इस चीज पे हमें काम करना पड़ेगा प्लांटिंग ऑफ शेल्टर फॉर स्टेप वो स्टेबलाइजिंग ड्यून्स तो हमें क्या करना चाहिए सेल्टरवेट्स को प्लांट करना चाहिए जिसकी वजह से uh, जो है स्टेबलाइज किया जा सके प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए जो भी वेस्ट लैंड है उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए माइनिंग एक्टिविटीज़ भी कंट्रोल होना चाहिए प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लोमेंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट तो उसका प्रॉपरली तरीके से डिस्चार्ज होना चाहिए अडॉप्टिंग इफेक्टिव ल्लफिंग टेक्नी और प्लफिंग टेक्नीस को भी जो है अलग अलग इफेक्टिव तरीके से उसको अडॉप्ट करना चाहिए जिसकी वजह से कम से कम लैंड डिग्रेडेशन होए ये हमारा आई थिंक लास्ट लास्ट क्वेश्चन है थर्टी थ्री परसेंट एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट जस्टिफाई द स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द वैल्यूज ऑफ फॉरेस्ट ऐसी बात है ना इंटरनेशनल नॉर्म क्या कहता है कि हर कंट्री के अंदर ना पूरा का पूरा जो भी उनका एरिया है उसमें थर्टी थ्री परसेंट क्या होना चाहिए अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए तो इस चीज को लेकर जो और इस बार जो नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है ना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना आप इस क्वेश्चन को एकदम स्टार मान के याद कर लो इस क्वेश्चन को क्या आप एकदम स्टार मान के याद कर लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नॉर्म्स द फॉरेस्ट कवर इन अ कंट्री शुड बी 33 परसेंट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया किसी भी कंट्री में जितना टोटल जोग्राफिकल एरिया उसमें 33 परसेंट क्या होना चाहिए फॉरेस्ट कवर होना चाहिए हाउ एवर द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू सिक्स लैक थर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी थ्री स्क्वायर किलोमीटर विच इज नाइनटीन पॉइंट थर्टी नाइन परसेंट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अगर आपसे याद रहता है तो ठीक है नहीं याद रहता है तो सिंपल सी बात बोल सकते हो अबाउट नाइनटीन परसेंट या फिर अबाउट ट्वेंटी परसेंट कि हमारे यहाँ इंडिया मतलब इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कितना कवर करता है अबाउट ट्वेंटी परसेंट टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की जबकि होना कितना चाहिए थर्टी थ्री परसेंट होना चाहिए द फॉलोइंग पॉइंट सम ऑफ द इन्वॉर्मेंटल वैल्यूज ऑफ फॉरेस्ट अब जो है

आई होप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो बच्चे चैनल पर नए हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल सके और आप उस वीडियो को तुरंत देख सको